दोस्तों, एक औरत के बहकने का सिर्फ दो ही कारण हो सकता है, या तो उसका पति नपुंसक हो या तो उसका पति उससे दूर रहता हो। दोस्तों, आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक औरत जिसका पति बाहर रहकर जॉब करता था, अब उससे शारीरिक सुख नहीं मिल रही थी, इसलिए वो अपने ही पड़ोसी के साथ अवैध संबंध बना लेती है। लेकिन दोस्तों, इस अवैध संबंध का इतना बुरा अंजाम होता है कि जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, आइए पूरी कहानी इस वीडियो में जान हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की। वहीं का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है मोहन। मोहन की बीवी होती है, उसका नाम होता है सुमन। उन दोनों की शादी को लगभग 15 दिन ही गुजरे थे। अब जो सुमन थी उसके ससुराल में ससुराल वालों से अनबन हो जाती है। जेठानियों और सास ससुर से इतनी अनबन होती है, इतना झगड़ा लड़ाई हो जाता है कि वो अपना चूल्हा वगैरह सब अलग कर लेती है, किचन वगैरह सब अलग करके वो अलग ही रहने लगती है। दोस्तों, अब जो सुमन का पति था मोहन, वो रेलवे में काम करता था। आंध्र प्रदेश के रेलवे में उसकी जॉब लगी थी। अब वो आंध्र प्रदेश में ही रहा करता था। कभी कभी जब उसे मौका मिलता तो घर आना जाना करने लगता, सिर्फ एक हफ्तों के लिए। अब जो मोहन था उसे बहुत टेंशन हो गई थी कि मेरी बीवी अलग हो गई है, अब घर का राशन पानी वो कैसे लाएगी, किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो वो कैसे लाएगी। दोस्तों, अब जो मोहन था अपनी बीवी को अच्छे से समझा देता है कि अगर तुम्हें बाहर से कुछ भी सामान चाहिए, बाजार से कुछ भी लाना होगा, तो तुम जो बगल का लड़का है सोनू, उसे बुलाकर सामान मंगवा लेना। मैं उससे कह दिया हूँ, वो हर सामान ला दिया करेगा। दोस्तों, सुमन कहती है कि देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सोनू को बुलाकर हर सामान मंगवा लिया करूंगी और आप मेरी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। और सुमन का जो पति था मोहन, वो अपने बड़े भैया से कहकर जाता है कि जो उनकी बेटी है पिंकी, उसको रात को भेज दिया करे उसकी बीवी के कमरे में उसके साथ सोने के लिए, क्योंकि सुमन को अकेले डर लगता है। अब जो सुमन की जेठानी की बेटी थी पिंकी, वो अपने चाची के साथ ही उसके कमरे में रोजाना सोया करती थी। सुमन का कमरा ऊपर वाले बिल्डिंग में था, इसलिए उसे बहुत डर लगता था। दोस्तों, अब जो सुमन की जेठानी की बेटी थी पिंकी, वो हर रात को अपने चाची के कमरे में चली जाया करती थी सोने के लिए। दोस्तों, अब इसी तरह धीरे धीरे करके लगभग 1.5 साल गुजर जाते हैं मोहन और सुमन की शादी को। इन 1.5 साल में दोनों का कोई बच्चा नहीं होता है। अब जो मोहन था सिर्फ एक हफ्ते के लिए आता बीच बीच में अपने घर और एक हफ्ता रहता, फिर चला जाता अपने ड्यूटी पे। मोहन को जरा भी वक्त नहीं मिलता था अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारने का या फिर उसे घुमाने फिराने का। इस वजह से जो सुमन थी अपने पति से नाराज भी रहती थी। सुमन का जो पति था मोहन, अच्छे से टाइम नहीं दे पाता था उसे। दोस्तों, अब इसी तरह जब भी सुमन को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती, बाजार से कुछ भी सामान मंगवाना होता, वो पड़ोस का जो लड़का था सोनू, उसको फोन कर देती, वो उसके घर आ जाता और फिर सोनू उसको सारा सामान लाकर दे दिया करता था। अब जो सोनू का आना जाना है सुमन के घर में कुछ ज्यादा ही हो गया था। अब कभी काम नहीं भी रहता तो सोनू सुमन के घर में आ जाता और उसके साथ हंसी मजाक करता, घंटों घंटों उसके घर में बिताया करता। दोस्तों, जो सोनू था सुमन को भाभी भाभी कहा करता था और सुमन से काफी मजाक भी किया करता था। अब जो सुमन थी उसको लत लग चुकी थी सोनू की, और कहीं ना कहीं जो सुमन थी सोनू से प्यार कर बैठी थी, क्योंकि सुमन को वो सुख नहीं मिल पा रहा था जो उसे चाहिए था। उसे उसका पति का प्यार नहीं मिल रहा था, पति का सुख नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वो बहुत बेचैन भी रहती थी। अब जब रोजाना सोनू उसके घर आने लगा था तो सुमन उसके करीब खींची चली गई थी, कहीं ना कहीं उससे प्यार कर बैठी थी। दोस्तों, एक दिन दोपहर का वक्त था, जो सुमन थी किसी बहाने से सोनू को अपने कमरे में बुलाती है और सोनू आ जाता है। सोनू के आने के बाद वो दरवाजा बंद कर लेती है। दोस्तों, जब सोनू सुमन के कमरे में जाता है तब सुमन कहती है कि क्या कहूँ सोनू, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरी शादी को 1.5 साल गुजर गए हैं और तुम्हारा जो भैया है मुझे टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं, उनका तो ड्यूटी ही खत्म नहीं होता है। जब भी घर आते हैं वो एक हफ्ते के लिए, तब भी मुझे अच्छे से टाइम नहीं दे पाते हैं। अपने भैया भाभी माँ बाप के साथ इतने जी रहते हैं कि वो मुझे टाइम ही नहीं दे पाते हैं, और मुझे किस चीज की जरूरत है तुम तो अच्छे से जानते हो। दोस्तों, जब सोनू यह सब बात सुनता है तो उसके अंदर भी एक उत्तेजना पैदा हो जाती है, और वो पहले से ही यह सब जानता था कि जो उसकी भाभी है सुमन, वो अंदर से क्या चाहती है, और सोनू भी इस चीज के लिए पहले से ही रेडी था। लेकिन वो डरता था यह सब आगे से करने के लिए, क्योंकि उसे पता था कि वो आगे से कुछ कहेगा तो शायद सुमन गुस्सा हो जाए, इसलिए वो कुछ नहीं कहता था। जब उस दिन सुमन अपने आप यह सब
कह रही थी तो सोनू बहुत खुश हो गया था। उसके बाद दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि दोनों अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उसके बाद दोनों एक दूसरे को अपने बाहों में भर लेते हैं और तभी उन दोनों के बीच अवैध संबंध बन जाता है। दोनों अपने रिश्ते को भूल जाते हैं कि वो दोनों रिश्ते में क्या लगते हैं। दोस्तों, उसके बाद जब उन दोनों के बीच अवैध संबंध का सिलसिला शुरू होता है तो यह सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं लेता है। अब जो हर वक्त दोनों एक साथ एक कमरे में होते, सुमन को जब भी मौका मिलता वो सोनू को बुला लिया करती थी और उसके साथ कमरे में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारा करती थी। दोस्तों, अब इसी तरह एक दिन शाम का वक्त होता है, सुमन की जिठानी की बेटी पिंकी अपने चाची के कमरे में जाती है। दरवाजा सटा हुआ होता है, वह धक्का मारकर कमरे के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, अंदर का नजारा देखकर वो एकदम से चौंक जाती है। जो पिंकी थी वो इतनी भी छोटी नहीं थी कि उसे इन सब की फर्क ना पड़े। दोस्तों, पिंकी जब अपनी चाची और उस लड़के को नंगी अवस्था में देखती है तो वहीं पर वो चिल्ला देती है और कहती है कि चाची, आप ये किस तरह का गंदा काम कर रहे हैं। जब पिंकी इतना कहती है तो जो उसकी चाची थी अपने आप को समेटने लगती है और जो सोनू था फटाफट अपना कपड़ा पहनता है और उस कमरे से भाग जाता है। उसके बाद पिंकी कहती है कि चाची, आप ये सब क्या कर रही हैं, आपको शर्म नहीं आती। दोस्तों, जो सुमन थी अपनी ही भतीजी को बाहों में भर लेती है और कहती है कि देखो पिंकी, तुम यह सब बात प्लीज किसी को मत बताना, मैं तुम्हें बहुत सारे चॉकलेट दूंगी, बहुत सारे सामान लाकर दूंगी और ये बात तुम अपने चाचू को भी मत बताना। दोस्तों, जो पिंकी थी वो कहती है कि नहीं, चाचू को आने दीजिए, मैं ये सारी बता दूंगी चाचू को कि आप क्या करते हो घर में। दोस्तों, जो सुमन थी किसी तरह से उस बच्ची को समझाती है तो वो बच्ची मान जाती है और वो बच्ची वहां से चली जाती है अपने मम्मी के पास। लेकिन सुमन को अब यह डर सताने लगता है कि आखिर इस बच्ची ने किसी के सामने मुंह खोल दी तो फिर मेरा बहुत ही बुरा अंजाम होगा। और बच्चों का तो आदत ही होता है कि किसी से वो कोई चीज नहीं छुपाते हैं, तो इस तरह से सुमन को अब डर होने लगता है। अब सुमन प्लानिंग बनाने लगती है किसी तरह से उस बच्ची को अपने रास्ते से हटाने का। अब सुमन और उसका जो प्रेमी था सोनू, वो दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि किसी तरह से भी इस बच्ची को उसके रास्ते से हटाना ही होगा। अगर कभी किसी के सामने इसने मुंह खोल दी तो फिर बहुत बुरा अंजाम होगा। दोस्तों, प्लानिंग के मुताबिक एक दिन सुमन शाम के टाइम में पिंकी को अपने कमरे में बुलाती है और जो छोटी बच्ची थी पिंकी अपने चाची के कमरे में चली जाती है। वहां पहले से ही सोनू मौजूद होता है। अब सोनू और सुमन मिलके उस बच्ची का गला घोटकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद उस बच्ची की डेड बॉडी को एक बैग में पैक करते हैं और उसके बाद वो लोग रात का इंतजार करते हैं कि जब रात होगी तो उस डेड बॉडी को वो लोग बाहर जंगल में ले जाकर फेंक देंगे। अब धीरे धीरे करके रात हो जाती है, लगभग रात के एक बज चुके थे। अब जो सोनू होता है वो रात को सुमन के घर में आता है, उस बैग को लेता है, यानी कि जिसमें डेड बॉडी थी, उस बैग को लेकर वो चला जाता है और गांव से बाहर एक जंगल होता है वहीं पर फेंक देता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि कातिल कितना ही सातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। दोस्तों, जब सुमन और उसका प्रेमी सोनू मिलकर उस बैग को बाहर निकाल रहे थे तो जो चूड़ी सुमन अपने हाथों में पहनी हुई थी, उस चूड़ी का टुकड़ा एक बैग में गिर जाता है और बैग में ही फंस जाता है। अब वो लोग तो बैग को वहां ले जाकर फेंक देते हैं। अब अगला दिन निकलता है, जो पिंकी के माँ बाप थे यानी कि सुमन के जेठ और जेठानी अपनी बेटी को ढूंढते हैं, कहीं नजर नहीं आती है। अब घर वाले परेशान हो जाते हैं कि आखिर की बेटी कहाँ गई। चारों बगल सब खोजने लगते हैं, इधर उधर आस पड़ोस में देखते हैं, लेकिन पिंकी का कहीं अता पता नहीं चलता है। जब बेटी नहीं मिलती है उनकी, तब वो लोग पुलिस वाले के पास जाते हैं और वहाँ रिपोर्ट दर्ज करते हैं। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस वाले छानबीन शुरू कर देते हैं। घर में आते हैं, सभी से पूछताछ करते हैं। जो पिंकी के माँ बाप थे वो बताते हैं कि मेरी बेटी हर रोज रात को मेरी देवरानी के कमरे में सोती थी। अब जो पुलिस वाले हैं चले जाते हैं सुमन के कमरे में, वहाँ छानबीन करते हैं, हर चीज देखते हैं, सुमन से पूछताछ करते हैं, लेकिन पुलिस वालों को कहीं से कोई क्लू नहीं मिल पा रहा था। लेकिन दोस्तों, तभी पुलिस वालों के पास एक कॉल आता है, गांव का ही कोई व्यक्ति होता है और कहता है कि साहब, गांव से बाहर जो जंगल है वहां एक लाश पड़ी हुई है, आप लोग जल्दी से आ जाइए। दोस्तों, तभी पुलिस वाले उस जगह पर पहुंचते हैं और जाकर देखते हैं तो वाकई में एक बैग में लाश पड़ी हुई है और वो लाश किसी और की नहीं बल्कि छोटी सी बच्ची पिंकी की होती है। दोस्तों, उसी वक्त पुलिस वाले लड़की के माँ बाप को फोन करके कहते हैं कि यहाँ एक लाश मिली है, आप
लोग आइए और पहचान कीजिए। दोस्तों पिंकी के माता पिता जाते हैं वहाँ पर, देखते हैं अपनी बेटी को उस हालत में, तो वो लोग फूट फूट कर वहीं पर रोने लगते हैं। दोस्तों उसके बाद पुलिस वाले उस डेड बॉडी को जंगल से बाहर निकालते हैं। जब उस डेड बॉडी को जंगल से बाहर निकालते हैं तो उस बैग में वो चूड़ी फंसी हुई थी। पुलिस वाले उस चूड़ी को पहले साइड करते हैं, उसके बाद डेड बॉडी को भेज देते हैं पोस्टमार्टम के लिए। दोस्तों अब पुलिस वाले उस चूड़ी को पिंकी की माँ को दिखाते हैं और कहते हैं कि क्या आप इस चूड़ी को पहचानते हैं। तो जो पिंकी की माँ थी वो गौर से उस चूड़ी को देखती है और पहचान लेती है और कहती है कि साहब इस चूड़ी को तो मैंने मेरी देवरानी के हाथों में देखा है, इसमें की चूड़ी वही पहनी हुई है। दोस्तों अब पुलिस वालों का पूरा शक चला जाता है सुमन की तरफ। अब पुलिस वाले सुमन को थाने में बुलाते हैं। थाने में बुलाने के बाद सुमन से जब पूछताछ करते हैं तो सुमन एकदम सफाई दे देती है, इस तरह से कि जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। दोस्तों जब पुलिस वाले अपने तरीके से पूछताछ करते हैं सुमन से तो सुमन सारी सच्चाई उगल देती है और कहती है कि हाँ मैंने ही मारा है पिंकी को मेरे प्रेमी के साथ मिलकर। उसके बाद सुमन सारी सच्चाई बताती है कि उसने क्यों मारा था उसे। दोस्तों जब सुमन अपना जुर्म कबूल कर लेती है और अपने प्रेमी सोनू के बारे में बताती है तो पुलिस वाले सोनू के घर जाते हैं और सोनू को भी गिरफ्तार करके थाने ले आते हैं और दोनों को साथ में जेल के सलाखों के पीछे भेज देते हैं। तो दोस्तों एक औरत ने अपने अवैध संबंध को छुपाने के लिए अपने ही मासूम से भतीजे की हत्या कर दी। तो अक्सर अवैध संबंधों का अंजाम बुरा ही होता है। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। इस कहानी के ऊपर आप लोगों की क्या राय है अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रख सकें। दोस्तों मेरे पिछले वीडियोस में जितने भी लोग कमेंट किए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं: मोहम्मद यासीन, राव कमरान लाहौर पाकिस्तान से, तहसीन, तंजीम और तमीज आलम अररिया से, राज कोलकाता से, फरीद अहमद सऊदी अरब से, अबू सैफ अंसारी, आयुब अंसारी उत्तर प्रदेश से, बलराम चौधरी, विनय मधेसिया गोरखपुर से, अब्दुल मन्नान अंसारी बिजनौर उत्तर प्रदेश से, फरीद अहमद बहराइच उत्तर प्रदेश से, रमेश बोरा असम से, राजेश राठौर नबी मुंबई से, मनसा राम हरदोई से, मोहम्मद कलाम सऊदी अरब से, ईश्वर कार्की नेपाल से, श्याम प्रकाश कुशवाहा पत्नी सुमन कुशवाहा इटावा उत्तर प्रदेश से। दोस्तों अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूं। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।